हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए विहान बाबू, अभी रात के ना करीबन 10:30 बज रहे हैं। हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। विहान ना 8 बजे रात को सो गया, तो मेरे को ऐसा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी रात को 8 बजे सोया है तो अब तो ये सुबह ही सो के उठेगा, बट मैं गलत थी। क्योंकि विहान की ना नींद ऐसी है, ये ना शाम को या तो 5 बजे सोता है, कभी 6 बजे, कभी रात को 8 बजे भी सो जाता है, बट 2 घंटे से ऊपर नहीं सोता। ये एक बार तो फिर से जागता ही है। तो यहाँ पे विहान जाग गया था रात को 9:45 पे। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की, कुछ खा नहीं रहा था तो मैं इधर ले आई थी। पापा जी बोलते इधर ले आए इसको, मैं थोड़ी देर तोल्लू के साथ खेल लूँगा। पापा जी इसको तोल्लू बुलाते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यहाँ पे आ गई थी और बस मैंने नाइट सूट पहना हुआ था, रात का टाइम था। क्योंकि मैं रात को एक्चुअली क्या होता है ना, नाइट सूट कई बार तो मैं शाम को ही पहन लेती हूँ नाइट सूट, और अगर कहीं बाहर नहीं जाना होता तो मैं दिन में भी नाइट सूट ही पहन लेती हूँ, वरना मैं टी शर्ट्स पजामा वगैरह पहनती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पापा जी काफ़ी खुश थे एसी लगने के बाद। पापा जी ने मुझे खुद सामने से बात बोली, पापा जी बोलते कि मौज हो गई अब तो, पता नहीं क्या मतलब, हम सोच के कभी एसी पहले ख़रीदा ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। बोलते कि एसी तो पहले ही लगवा लेना चाहिए था, कितना आराम मिल रहा है। तो खुश थे। तो ये आगे वाले रूम में देखिए गद्दा डाल के यहीं पर ही लेटे थे। अभी साफ़ सफाई का टाइम नहीं मिला आज पूरा दिन, तो भाई एसी की फिटिंग में तो पता ही आपको कितनी गंदगी भी हो जाती है घर में, नीचे पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो सफाई तो अगले दिन करेंगे। पापा जी कह रहे एसी लगने के बाद ना जिंदगी बदल गई। एक्चुअली ना ये मुझे अच्छा लगा, चलो पापा जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। पता है कूलर में ना हमें तो ऐसा लग रहा था, मम्मी भी बोल रहे थे कि अब अगस्त का महीना तो चला गया, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में तो वैसे भी ठंडा मौसम हो जाता है। तो फिर एक्चुअली ना बस ये था कि हम हर साल ऐसे ही करते थे, हमेशा गर्मियाँ निकाल देते थे, फिर जब सर्दियाँ आने का टाइम हो जाता था फिर सोचते थे अब तो सर्दियाँ आ गई, अब तो अगले साल ले लेंगे ये एसी। बट इस बार तो देखिए हमने ले ही लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एकदम तेज़ धूप हो रही है और सुबह का टाइम है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 9:30 बजे हैं। मैं यहाँ केमिस्ट की दुकान तक जा रही हूँ। एक्चुअली विहान की तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली विहान को हुआ क्या मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली एसी आया था कल, तो हमने क्या किया, पापा जी बोलते चलो विहान को भी एसी में सुला देंगे, तो 2 घंटे विहान को एसी में रखा था। और उसके बाद फिर मेरा जो कम घर है आपको पता है, वहाँ मैंने कूलर भी नहीं लगा रखा, तो पंखे के नीचे सुलाया तो ठंडा गर्म हो गया, जिसकी वजह से सुबह फीवर आ रहा था विहान को। पर फीवर अभी नहीं है, लेकिन उसे वोमिटिंग्स लग रही हैं, 2-3 बार चला गया, मतलब कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा हो रहा, लेकिन वोमिटिंग्स ही हो रही है, ढीला ढाला सा हो रहा है। तो ना पता है मैंने एक चीज़ सीखी है कि डॉक्टर्स ना हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट तभी करते हैं जब ना बच्चे का पेट छूते हैं, ऐसे देखते हैं, और अगर पेट में खाली खाली लगे ना, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बस बच्चे को, चाहे बुखार हो रहा हो, उल्टी आ रही हो, चाहे दस्त हो, लेकिन पानी की कमी हो जाती है तो एडमिट होता है। और मैं नहीं चाहती कि अब विहान तीसरी बार एडमिट हो जाए, इसीलिए विहान के लिए फटाफट जाके मैं ORS के डब्बे ले आती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल पानी वगैरह पीता नहीं, उसमें थोड़ा फ्लेवर होता है, डब्बे आते हैं। और कुछ देखते हैं, पापा जी ने भी कुछ नहीं खा रखा, सुबह से घर का खाना खाते नहीं है, तो कुछ समझ आएगा तो बाहर से पापा जी के लिए कुछ पैक करवा लेती हूँ। यहाँ दवाइयों की शॉप पर पहुँच गई, आप देख सकते हो लंबा रास्ता पैदल पैदल मैंने तय किया है, तो चलो अभी हम ले लेते हैं। भैया ORS वो वाला देना जो फ्रूटी की तरह होता है ना, देखो आप होगा आपके पास, हाँ ये वाला। इसमें फ्लेवर बताओ कौन कौन से हैं, इसमें ओरल, ये वाला कौन सा है, हाँ नहीं ये वाला तो रहने दो, ये पसंद नहीं करेगा, ये वाला, ये नींबू है ना, आप ऑरेंज दे दो, ये सही है, हाँ इसके दे दो, आप 4 निकाल दो। ये देखो मैंने ये वाला लिया है, और इसका प्राइस कितना है, 35 रुपीज का है, देखिए एक दो ही है ये वाले, और कौन ये वाला नींबू का है, नींबू बना हुआ है ना इस पर, ये ऑरेंज है, नींबू है, ये लेमन है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, तो ये वाले दे दो फिर आप, अच्छा ये लेमन है, नहीं वाला दे दो, इस पे भी लेमन ही लिखा है वैसे, और देखना और भी कुछ होगा आपके पास शायद, यही रखा है, अच्छा ओके, ये भी लेमन है, ये भी लेमन है ना, फ्लेवर में, तो एक काम करते हैं हम ले लेते हैं, चलो अब पता नहीं वो कौन सा पसंद करेगा, ये 4 ले लेते हैं, ले लेना बाकी रिटर्न करके दूसरा ले जाना, ठीक है ऐसे कर लेंगे।
एक मिनट में बताती हूँ, ये चार ले लेते हैं। प्राइस सेम है इनका, 35 है। अच्छा, फ्लेवर्स ही होते हैं इसमें, तो ये हम करवा लेते हैं। इसके अलावा बच्चे की ना उल्टियाँ लग रही है, उसके लिए कोई दवाई है आपके पास? वोमिटिंग की दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, 2 साल का है। हाँ, इससे आपको एक दोपहर को पूरा हाफ करके डालना है। ये हाफ मतलब 0.4 तक, 0.5 तक ले लेना। ठीक है, 0.5 तक लेना है। और कितनी बार देना है इसको? इसको 2 बार देना है अभी, उसके बाद रात को। उसके बाद रात को दे देना, 2 बार में ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कर दीजिए। ये देखो, ये है वोमिटिंग की दवाई है, विहान की लेकर चलते हैं। ये लीजिए, पापा जी के लिए देखते हैं, कुछ ले लेते हैं यहाँ से, उनको गर्मी बहुत लग रही है। एक तो भैया ये केले कर दो, यही बचे हुए हैं तो सही है वैसे। सही है ये। हाँ कोई नहीं, ये चार है ना। हाँ, ये 4 केले कर दो। पापा जी के लिए मैं ये नमकीन का पैकेट ले लेती हूँ, आलू भुजिया का, बस इसी का कर दीजिए। एक्चुअली मैंने ये पापा जी के लिए इसलिए लिया है कि घर मतलब उस घर में ना, जैसे मान लो रोटी नहीं खा रहे तो नमकीन भुजिया थोड़ा बहुत तो कुछ तो जाएगा ना, कुछ खा लेंगे। बिस्किट तो खाते नहीं है, नमकीन ही खा लेंगे। हाँ जी, और ये केले कर दीजिए, इनका बता दीजिए। 70। अभी सामान तो पैक करवा लिया। एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पर ना खाने पीने का इतना कुछ है नहीं, बस एक ये वाला नया खुला है, वो भी शाम को ओपन होता है, दिन में ओपन होता है। तो अभी यहाँ जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं ना, यहाँ 1 किलोमीटर आसपास या तो ऑटो करके शहर जाओ कुछ खाने का लेकर आना है, वरना मैं कैसे लेकर आऊँ। अब मेरे को बच्चा भी देखना है, आना जाना करूँगी गर्मी में, वहाँ 1 घंटा लग जाएगा। मैं सोच रही हूँ खुद अपने हाथ से कुछ बना के खुद वो ट्राई करती हूँ, पापा जी थोड़ा बहुत भी ले लें सही रहेगा। बोल दिया, मैंने अपनी पूरी सेविंग ख़त्म कर दी है, पूरी सेविंग मेरे अकाउंट में ना शायद ये सब करवाने के बाद 2-2 हज़ार रुपये होंगे टोटली, 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा मेरे पास नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, सेव मेरे को ये पता है, मैं अपने बारे में बताऊँ ना, मैं प्रेशर में काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे ये रहता है कि यार जो काम करवाना है वो तो करवाना ही है, चाहे आज करवाओ चाहे कल करवाओ, है ना। अब मैंने इन्वर्टर के लिए इसलिए सोचा, वैसे तो देखो मेरे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ना, बिजली जाए तो पापा जी मेरे घर पे आके सो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती पापा जी को इतनी सी भी दिक्कत हो। तो ये होता है ना, इन्वर्टर में क्या हो जाएगा ना पापा जी का, जैसे लाइट वाइट चली गई रात को, मान लो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो ये तो नहीं पता मुझे, एसी तो शायद नहीं चलता ना। मैंने वैसे इन्वर्टर एसी लिया है, तो उसमें इन्वर्टर पे चलता है नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा। बाकी एसी भी ना चले, कूलर तो चली जाता है ना इन्वर्टर पे, तो बाई चांस मान लो एकदम से लाइट रात को चली गई, 1-1.5 बज रहे हैं रात को, परेशान ना हो पापा जी किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं चाहती कि दुख पाएं। तो आज मैंने पापा जी से पूछा, मैंने कहा पापा जी इन्वर्टर भी लगवा दूँ, पापा जी बोलते रहने दे इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना भाई, लगवा देते हैं, घर में बिजली ना हो, एकदम से चली जाए, पूरे घर में लाइट ही ना हो, दिक्कत तो आती है ना। और लाइट का वैसे तो यहाँ कट इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, या ये कहूँ कि मुझे पता नहीं चलता, हमारे घर में जिसके घर में इन्वर्टर होगा ना उसको पता नहीं चलता कब बिजली गई, कब इन्वर्टर की लाइट है, कब वैसी लाइट है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये काम तो ज़रूरी है, पापा जी को बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे हम, तो कोई बात नहीं, आगे नए सिरे से हम लोग सेविंग करेंगे, तो धीरे धीरे करके अपना वो भी जो भी लोन है मैं वो भी क्लियर करूँगी। बट ये काम ज़रूरी थे, ये 2-4 चीज़ें, क्योंकि कोई इंसान कहीं रह रहा है तो उसे देखिए कुछ भी खाना पीना हो, फ्रिज की ज़रूरत होती है, गर्मी सहन नहीं हो रही। पता है आज आपको एक बात बताती हूँ, पापा जी को ना एसी का ना जैसे रिमोट कंट्रोल से ना उसको बटन को बंद चलाना नहीं आता, मैं अभी सुबह सिखाया मैंने पापा जी को, तो ना पापा जी चले गए बाहर, निकल गए 15 मिनट के लिए गए थे बाहर सुबह स्कूटी पर, और मैंने पीछे से ना एसी बंद कर दिया, क्योंकि कोई था ही नहीं घर, ऐसे ही एसी चल रहा था। पापा जी आके, पापा जी पता है मेरे को आके क्या बोले, मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा, जल्दी एसी चला, जल्दी एसी चला, मेरे अटैक आने वाला है, मतलब ऐसे बोले मेरे को। मैंने तुरंत एसी चलाया, और फिर थोड़ा सा 10-5 मिनट बाद जैसे थोड़ा ठंडा हुआ कमरा, तो शांत होके फिर सोए हैं आराम से, फिर लेटे हैं। पापा जी को इतनी तेज बेचैनी होती है, अगर 5 मिनट के लिए भी बिजली चली गई या एसी नहीं चल रहा इस टाइम, पता नहीं अंदर गर्मी बैठ रही है, शरीर में क्या दिक्कत है। बट मैंने इसीलिए पापा जी को, अब आराम कर रहे थे एसी में,
अभी ठीक थे, अभी बातचीत सही कर रहे हैं। बैग देख के आई थी मैं, गई थी जब, तो ये इसीलिए मैंने कहा जो थोड़ी बहुत बेसिक सुविधाएं होती हैं ज़रूरत की वो तो मैं करवा ही देती हूँ पापा जी के लिए, है ना, सही रहेगा। तो देखो शायद इन्वर्टर भी आज ही लग जाए, इन्वर्टर के लिए भी मैंने कर दिया। मैंने कहा मैं पूरा कार्ड से पेमेंट कर दूंगी, एटीएम से, एटीएम कार्ड होता है जो, डेबिट कार्ड, उससे पेमेंट कर दूंगी, पूरा खाली कर दूंगी कार्ड। मतलब मेरा जो एक अकाउंट है ना उसमें तो 10,000 मिनिमम रखने जरूरी होते हैं, दोनों में ही है 10-10 का मिनिमम। मेरा वो भी नहीं है इस टाइम, विरोद की मिनिमम भी नहीं है मेरे दोनों अकाउंट में इस टाइम, कि मैंने 10-10 भी छोड़ रखे हों। उन पे भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ कुछ आएगा, मेरी सैलरी आए या कहीं से कुछ हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा जमा डाल दूंगी उनमें अकाउंट में, ताकि वो मिनिमम बचा रहे। बट कोई बात नहीं, मेरे को ना लेकिन खुशी है दिल से कि पापा जी को थोड़ा आराम मिल रहा है और घर भी अच्छा, देखो अच्छा घर का भी एक तरीके से स्टैंडर्ड ही बन जाता है ना, घर में सारी चीज़ें हों अच्छे से, बढ़िया लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि देखो सब कुछ है लगा हुआ है घर में। तो चलिए घर चलते हैं, अभी बाकी बातें घर जाके करते हैं। ये नमकीन भुजिया लाई हूँ पापा जी आपके लिए। नहीं नहीं आप भी खा लेना, ये लो, ये पापा जी कुछ खा लो, ऐसे खाली पेट मत रहो, लो पापा जी। एक्चुअली ना अभी आप कहोगे कि पापा जी की तबीयत में पहले से सुधार है, पापा जी थोड़ा आराम कर रहे थे, और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब हम पे ना मुसीबत पड़ती है ना तभी हमें अपनों की परख होती है। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, मैं कई बार ये सोचूंगी कि भगवान जी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, भगवान जी ने मेरे साथ इतना कुछ छीन लिया मुझसे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ना भगवान जी ने मेरे को ना लोगों की असलियत दिखानी थी, मुझे दुनिया की एक्चुअल सच्चाई समझानी थी क्या है। तो इसीलिए शायद मेरे साथ ये चीज़ भगवान जी को ने मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसा मेरे साथ हुआ। मतलब मैं ये भगवान जी को दोष नहीं दे रही हूँ कि भगवान जी ने मेरा ये सब छीन लिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भगवान जी, देखो अगर भगवान मेरे साथ ना होते तो मुझे इतना कुछ ना देते, ना देते। आप ये सोचिए ना कि एक लड़की आपको, आपको कोई कह दे 30 साल की उम्र में एक लड़की दो दो फ्लैट लिए बैठी है, तो ये छोटी बात नहीं होती। तो अगर भगवान जी का मेरे साथ साथ ना होता तो ये सब भी नहीं होता। लेकिन शायद भगवान जी मेरे साथ ये चाहते थे कि जिन लोगों पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर रही हूँ, जिनको मैं अपनी पूरी की पूरी सैलरी उठा के पकड़ा रही हूँ, जिनके हाथ में रख रही हूँ, वो लोग मेरे सगे नहीं हैं। ये चीज़ भगवान जी शायद मेरे को कहीं ना कहीं किसी तरीके से सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये लड़की बहुत सीधी है और इसको नहीं समझ आएगा, इसको बहुत बड़ा ही दुनिया का, मतलब सबसे बड़ा झटका लाइफ का खाना पड़ेगा, तभी इसको समझ आएगी, अक्ल आएगी। तो बस मैं हमेशा हर चीज़ में ये सोचती हूँ कि शायद कुछ ना कुछ होगा जो आज मुझे नहीं समझ में आता लाइफ में, लेकिन कल को शायद समझ आएगा। और सही में मुझे सच में अपनों की और परायों की परख बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लाइफ